नमस्ते दोस्तों, आज मैं टमेटो सूप बनाने जा रही हूँ। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और सारे सामान अपने किचन में ही मिल जाएंगे। कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही टेस्टी सूप बन जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। सूप बनाने के लिए इस तरह से सामान ले लेते हैं। 3 टमाटर हमने लिया है, इस तरह से ताज़ा टमाटर लिया, बिल्कुल रेड कलर का, और 5 से 7 मिनट तक इसे तेज आंच पे उबाल के छिलका हटा के इस तरह से तैयार किया है। क्रूटॉन्स बनाने के लिए हमने एक ब्रेड का छोटा छोटा सा टुकड़ा काट के इस तरह से बना लिया है, और काली मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून लिए हैं, 1/2 टीस्पून हम शक्कर लिए हैं, काला नमक लिए हैं जो आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हैं, सादा नमक लिए हैं, बटर हम 3 से 4 टीस्पून लिए हैं, ताज़ी मलाई जो डेकोरेट करने के लिए लिए हैं, और धनिया लिए हैं। अब हम इस टमाटर को मिक्सी जार में अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अच्छा महीन पीसना है, को अच्छा से महीन पीस के तैयार करते हैं। इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इसे छान लेते हैं, छान के इसके बीज को अलग कर लेते हैं। इससे 2 से 3 कटोरी सूप तैयार होगा। 3 टमाटर हमने लिया है, इसे इस तरह के छानने से, और इसके बीज को अलग कर लेते हैं छान के। देखिए बीज अलग हो गया है और हमारा टमाटर का लिक्विड इस तरह से बच गया है। अब इसे सूप बनाना चालू करते हैं। पहले क्रूटॉन्स बना लेते हैं, जो हम थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मक्खन यूज किए हैं, बटर यूज किए हैं, और हल्का सा जब कढ़ाई गर्म हो गया है फिर उसमें हम ये ब्रेड का टुकड़ा डाल देते हैं। इसे धीमी आंच पे कड़क करते हैं। तो ये हमारा क्रूटॉन्स तैयार हो गया है। अभी हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए फिर इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब सूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में या जो भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं, भगोने में आप पहले बटर डालिए, और फिर उसमें जो टमाटो क्यूरी जो तैयार किए थे, लिक्विड जो तैयार किए थे, उसको इसमें ऐड कर देते हैं और उसे अच्छी तरह से उबालते हैं, पकाते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं और इसे पकाते हैं। पाँच से छः मिनट का टाइम लगेगा और टमाटो सूप तैयार हो जाएगा। और घर का टमाटो सूप का तो बात ही कुछ और होता है। इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर का भी ज़रूरत नहीं होता है। अब इसमें काली मिर्ची ऐड कर देते हैं, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, शक्कर ऐड कर देते हैं, और काला नमक भी ऐड कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिंपल टमाटो सूप इस तरह से बन जाते हैं और सारे सामान अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर से ही आ जाते हैं और एक बढ़िया सा सूप तैयार हो जाता है। और सर्दी के मौसम में तो सूप का बहुत ही अच्छा होता है पीना। इस तरह से चलाते हुए इसे पकाते हैं। देखिए अब उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद भी इसे 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं। इसके अंदर काली मिर्ची का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। काली मिर्ची का फ्लेवर और बटर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी टमाटो सूप तैयार होता है।
इसे हाई फ्लेम पे पकाए हैं और ये फटाफट पक गया है, देखिए तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे सर्व कीजिए। इस तरह की कटोरियों में इसे ऐड करते हैं। अब इसे इस तरह से ताज़ा मलाई को ऊपर से डालते हैं, धनिया पत्ता डालते हैं और बस सूप तैयार है।